क्या आपने कभी मिट्टी के फ्रिज का ठंडा पानी पिया है? सिर्फ पानी ही नहीं, फल और सब्जियां भी इस मिट्टी से बने फ्रिज में अपना असली स्वाद नहीं खोती। और खास बात इस मिट्टी के फ्रिज की यह है कि ये बिना बिजली के चलता है। मिट्टी का सिर्फ फ्रिज ही नहीं बल्कि तवा, थर्मोफ्लास्क और दूसरी कई चीजें मिट्टी से बनाने वाले ये विशेष व्यक्ति हैं मनसुख भाई प्रजापति, जो वैसे तो मिट्टी के शिल्पकार हैं, लेकिन जिस तरह कई वर्षों से वो इस मिट्टी से कई अनोखी और काम की वस्तुएं बना रहे हैं वो एक अनोखी बात है। और साथ ही इस बिजनेस से वो काफी प्रॉफिट भी कमाते हैं। गुजरात में राजकोट के रहने वाले मनसुख भाई 2001 तक मिट्टी के वाटर फिल्टर, तवा और दूसरी चीजें बनाते थे, और ये सब उन्होंने 1988 में 30,000 रुपए उधार लेकर शुरू किया था। 2001 में आए गुजरात के भूकंप से उन्हें फ्रिज बनाने की प्रेरणा मिली। वो एक ऐसा फ्रिज बनाना चाहते थे जिसे एक गरीब भी अपने घर में रख सके। इस फ्रिज को बनाने में मनसुख भाई ने बहुत मेहनत और काफी दिमाग लगाकर एक नया कॉम्बिनेशन तैयार किया और बुरादे के साथ मिट्टी को मिलाकर एक फ्रिज बना दिया, जिससे मिट्टी झरझरी रही और फ्रिज के अंदर ठंडक। और इस फ्रिज को ना तो कोई बिजली की जरूरत थी और ना ही कोई दूसरी आर्टिफिशियल एनर्जी। और इस फ्रिज की खासियत यह है कि इसमें रखे फल सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं और उनका टेस्ट भी नहीं बदलता। मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर को डिजाइन करने में मनसुख भाई का NID अहमदाबाद ने सहयोग दिया और UK, जर्मनी में भी कई कंपनीज ने इस मिट्टी कूल फ्रिज में अपनी इच्छा व्यक्त की। साथ ही 2010 में फोर्ब्स मैगजीन ने मनसुख भाई प्रजापति को टॉप 7 रूरल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में जगह दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने मनसुख भाई प्रजापति को उनके अनोखे आविष्कारों के लिए ट्रू साइंटिस्ट का नाम दिया। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पर्यावरण पोस्ट की इस मुहिम में आप भी हमारा साथ दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कीजिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं तो हमें उन तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।